अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समिया और आप देख रहे हैं सैम्स फूड डायरी। आज हम बनाएंगे एप्पल क्रम्बल कपकेक, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एप्पल्स चाहिए हमें 2, प्लेन फ्लावर चाहिए 1 कप और 1/4 कप, शुगर चाहिए हमें 3/4 कप, एग चाहिए 1, मिल्क चाहिए हमें 1/2 कप, ऑयल चाहिए हमें 1/3 कप, बेकिंग पाउडर चाहिए 2 टीस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें 5 ड्रॉप्स और सिनेमन पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम दूध डाल लेंगे। ऑयल डाल लेंगे, एग डाल लेंगे, वनीला एसेंस डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एक साइड पे कर लेंगे। अब दूसरा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा, चीनी, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सही से मिक्स कर लेंगे इनको। ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं दूसरा बर्तन ले लेती हूँ और एक छाननी भी ले लिए, इसको छान लेंगे। ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि जब हम इसको छानते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो इसको छान लेंगे। ये चीनी हमारी थोड़ी मोटी थी, ग्राइंड सही नहीं हुई, तो देखिए ये रह गई है, तो अच्छा हो गया। अब एप्पल ले लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे और फिर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह करके इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, ऐसे देखिए। ये हो गया। अच्छा जी, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने जब भी कोई चॉकलेट चिप वगैरह जो भी आपने मिक्स करने हो, अखरोट हो गए या किशमिश हो गए, जो भी, उसको आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है तो पहले मिक्स करना है, ठीक है। वेट इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैंने एक ट्रे ले लिया, उसमें मैंने ये कप्स जोड़ दिए। अब इसमें ये स्कूप की मदद से हम इसमें डाल देंगे, तो इससे जो है तो सब परफेक्ट आएगा, सब एक ही साइज के बनेंगे, ठीक है। अभी दूसरा ट्रे भी ऐसे ही लगा लेंगे, उसमें भी डाल लेंगे। ये देखिए मैंने सब में डाल लिए। इसको ऐसे टैप कर लेंगे, ये सेट हो जाएंगे इस तरह। अभी एक बर्तन लेंगे, इसके ऊपर क्रम्बल बनाने के लिए हमें जो चाहिए, मैदा चाहिए हमें 1/2 कप, शक्कर चाहिए हमें 1/2 कप, सिनेमन पाउडर चाहिए 1 चम्मच, मक्खन चाहिए हमें 1/4 कप। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, लेकिन मक्खन जो है तो वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये हो गया इसका क्रम्बल। अब इसके ऊपर हम थोड़े से अखरोट हैं वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अखरोट पसंद है, इसलिए मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ। ऐसे अगर ना भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है मैंने डाल दिए। तो अभी इसका क्रम्बल रेडी हो गया है। अब हमने कप जो है तो वो ज़्यादा नहीं भरे थे, तो इसलिए उसमें थोड़ा स्पेस हमने रखा था कि हम उसके ऊपर क्रम्बल डाल लें। तो ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा क्रम्बल डालूंगी, 1-1 चम्मच भर के 1-1 चम्मच डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिए। 170 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए ये रेडी हो गए हैं। इसको ज़रा चेक कर लेंगे, थोड़ा ठंडा किया है। अब इसको चेक किए, ये बिल्कुल क्लीन आई है। बस ये रेडी है बिल्कुल। अब इसको एक ट्रे में सेट कर लेंगे। थोड़ी सी चॉकलेट थी मेरे पास, मेल्टेड चॉकलेट की हुई थी मैंने, तो इसको मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे हल्की सी। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। ये मैंने एप्पल साथ काट के थोड़ा सा रख दिया। थोड़े से मेरे पास मोती थे, मैं वो डाल रही हूँ। चीनी की मोती हैं सिंपल, बस ये डाल रही हूँ। ये अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी बहुत टेस्ट अच्छा होता है इनका। ये देखिए मैंने सेट कर लिया, साथ सैम्स फूड डायरी भी लिख दिया है। तो ये देखते हैं अब इसको, आप देखिए इसको हम ट्राई करेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। एक ये देखिए मैं टेस्ट करती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने। ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत मजे के हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी मम्मा की ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बाय जैसा आप क्या करें।